हाल है भाई? अरे भाई, ओ भाई, ओ ये क्या? अरे सर, मेरे ख्याल से मैंने आपको यहाँ पे देखा था अभी। वक्त आ चुका है, वो मूवमेंट आ रखा है, मूवमेंट है। तो गाइस, फाइनली वो दिन आ चुका है दिल्ली जाने का। सो गाइस, दिल्ली जाने का मेरा बहुत बड़ा सीन है, बहुत गेम चेंजिंग सीन है। तो गाइस, हम दिल्ली इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि गाइस मेरे को एक नई सुपर बाइक परचेस करनी है। वहां से एक नई सुपर बाइक के बारे में देख रहे हैं और एक और खतरनाक सीन है गाइस कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ किसी से मिलने। आप सब लोगों ने एक भाई की व्लॉग में देखा कि उत्तराखंड से एक भाई आ रहा है, आप सब लोग समझ गए होंगे अब सीन चेंज होने वाला है। तो गाइस, मैं पहली बार दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली अपनी ZX10R में। पूरी तरीके से हमने यहाँ पे अपनी ZX10R को पूरा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, जो आने वाली व्लॉग होने वाली है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सब लोग को फुल पावर मजा आने वाला है। तो गाइस, जो पीछे बैरिकेड गया वहां से हमने उत्तराखंड पार कर दिया है। अब हम उत्तराखंड के बॉर्डर के बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से दिल्ली है करीबन 250 किलोमीटर। तो फाइनली गाइस, मैं और बॉन्डॉट पहुंच चुके हैं हाईवे पे। अब यहाँ पे सीन ऐसा है, उसके पास है R15, इधर है 10R। तो भाई, उसने पूरे घोड़े घोड़ रखे उसके, कितनी खुली पड़ी, 130 पूरे घोड़े घोड़ रहे गाइस, उसने पूरे घोड़े घोड़ रहे। और हाईवे यार, हाईवे तो काफी लोग कहते हैं कि ये ZX10R 299 जाती है, पर कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि ZX10R ना 300 किलोमीटर भी दिखाते अपने मीटर में। पर हमारे ऊपर ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है गाइस, हम घर से बहुत दूर आ रखे हैं। इस समय करीबन 50-60 किलोमीटर हमने पार कर दिया है एरिया, हम थोड़ा सा गुम हो चुके हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। हम बस चले जा रहे हैं, वो भी चले जा रहा है। पीछे काले शीशे वाले स्कॉर्पियो को रोक दिया है। ओ रुक जा, दिल्ली फुल चीज चल रहा है बॉयज। और एक सीन ये भी है, यहाँ पे ना मक्खियाँ आ रही है, मक्खियाँ पूरे शीशे में, मेरे मक्खियाँ लग रखी है और बार बार ना मेरे को अपना, ओ भाई, ओ ये क्या, बाबरे भयंकर भाई, आंटी जी कहाँ पे आ रखी है, पीछे वाले गाड़ी की स्पीड 100 मेरी 90 उसकी 80 भाई, आंटी बीच में भाई, आंटी बच गई, आंटी उड़ जाती गाइस आज। यहाँ पे ना थोड़ा देख देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि ना आपको ये झाड़े दिख रही होगी भाई, इन झाड़ियों के पीछे से लौंडे निकल रहे हैं बाहर एकदम से, आपको लगेगा कोई खड़ा हुआ नहीं है। जब आप सोचोगे ना कोई खड़ा हुआ, तभी कोई निकलेगा बंदा एकदम से। फाइनली हम खाने पीने रुक रहे हैं, आपके पर्सनल लिए कार है वहाँ। ओके तो गाइस, फाइनली हम खाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने ऑर्डर करा है यहाँ पे एक रैप और बाप ने ऑर्डर करा है बर्गर फैंटा। गाइस व्यू नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, दिल्ली का आज रास्ता पहुंच गया। अगर इस वीडियो में गाइस कम से कम 50,000 लाइक्स नहीं आए ना यार, मैं रो दूंगा। फटके 4 हो चुकी है भाई, ZX10R ओवर हीट हो चुकी है, उसकी तो ओवर हीट हो चुकी थी पहले से, मेरी तो पूरी ओवर हीट हो चुकी है। और गाइस, मैंने आज राइडिंग बूट्स पहने हैं और राइडिंग बूट्स मेरा जल्दी का स्टिकर भी टूट गया, पता नहीं क्या सीन हो गाइस, इतना गर्मी लग रही है मुझे, पता नहीं मैं कौन सी जगह हूँ, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। दिल्ली अभी भी 60 किलोमीटर दूर है गाइस, फटके 4 हो रखी है। गाइस R15 ने धोखा दे दिया यहाँ पे भाई, ओवरहीट हो गई, इसका फ्यूज सब बंद होना चालू हो गया। क्या सर, अरे सर हम काम से आ रहे ना, थोड़ा भाई ये दिख रही है गिर रहे थे।
अरे नहीं टूट गए सर, ये कंपनी का फॉल्ट आ गया ना। उधर का देखो सर, उधर का देखो, ये देखो पूरा टूट गया। अरे सर मेरे ख्याल से मैंने आपको यहाँ पे देखा था अभी, सर को गाड़ी में देखा था मेरे ख्याल से मैंने अभी। सर जाते हुए मिलेंगे आपसे, जाते हुए आप इधर से ही मिलोगे हमें? अगर हम जाएंगे ना, हम कब आएंगे? कल परसों आएंगे, हम आपसे मिल के जाएंगे। हाँ सर हाँ, ऐसा निकलोगे? हाँ हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे सीधा अड्डे पे। मेरे पास मिल गाना। जी सर जी सर, ओके चलो थैंक यू सर। अरे थैंक यू सर। सर आप लोगों को गर्मी नहीं लगती? पहले ये बात बताओ मुझे, लेकिन आप लोगों को ज्यादा लगती है ना। ये जो पहना मैंने सर, ये सिंथेटिक है, ये इतना ज्यादा गर्म है ना, अगर बाहर 40 डिग्री है ना तो अंदर 50 डिग्री है, 10 डिग्री बढ़ाता है। अरे सेफ्टी के लिए सर। सर नंबर प्लेट गिर गई रस्ते में, पैनल टूट रहे हैं। अरे मैंने जूते बदले, मैंने सर अभी दूसरे जूते पहने हुए थे यहाँ, जूते बदले मैंने अपने, पिघल गए गर्मी से, उसकी हीट इतनी ज़्यादा ना पिघल गया उसका। देखो सर एग्जॉस्ट जल गया यहाँ पे, ये देखो देखो ये जल गया वो दिखा, ये देखो सर, ये चेक करो, ये चेक करो आराम से, ये मीटर हाथ में आ गया सर। सर ये 150 है, ये सर 1000 cc है, ये कितनी BHP है? ये 21 BHP है, ये 225 BHP। इसका पहला गियर 160, इसका पहला गियर, इसका सारे गियर मिला के 140। हाँ 18000 RPM है ना। तो गाइस हम दिल्ली के अंदर पहुंच चुके हैं और एक ना बहुत तगड़ा सीन हो चुका है। मेरी ZX9R पे लगा हुआ है लाउड एग्जॉस्ट SC प्रोजेक्ट, जो कि है बहुत ज़्यादा लाउड। अब सीन ऐसा है यहाँ पे ना चलान कटते हैं एग्जॉस्ट के, तो मेरे को ना बहुत देख देख के चलानी पड़ेगी यहाँ पे। दिल्ली में तो हमारी एंट्री हो चुकी है, सामने देख लो क्या मस्त व्यू है, चील ही चील हो रखी है, वही टेम्परेचर बहुत खतरनाक है, 42 डिग्री चल रहा है, पसीना आ रहा है। और पीछे ना यार बार बार बर्नआउट की बाइक ओवर हीट हो गए, बंद हो रही है, R15 ने हक दिया भाई पूरे रास्ते। ओ भाई ये देखो, फाइनली पहुंचने वाले हम डेस्टिनेशन, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बचा है गाइस। इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है ना मुझे, इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है ना, बता नहीं सकता आप सब लोगों को, सही में ये चीज मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है। क्योंकि ना हमको ना हर 2 किलोमीटर के बाद रुक के GPS चेक करना पड़ रहा कि हम किधर जा रहे हैं, राइट जब मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, क्योंकि यहाँ पे ना फोन रखने की जगह नहीं, तो बार बार ग्लव्स उतारने पड़ रहे हैं, बार बार कैमरा उतारना पड़ रहा है, बहुत हालत खराब हो रही है सही में। फाइनली गाइस भाई मिल गया। अरे भाई क्या हाल है भाई, भाई आपका होटल ढूंढने के लिए ना सही में भाई, ये देखिए और ये देखिए भाई, मैंने अपने शूज चेंज करे, मेरे शूज पिघल गए हीट से। हाँ भाई पानी भी नहीं पी रखा गर्मी देख रहे हो भाई, भाई आपके पास तो वो है लगा डिवाइस लगाने का, हमें बार बार भाई देखो 95 डिग्री अभी 104-106। अरे भाई तो ये रहे भाई सबसे दिग्गज यूट्यूबर, एक उत्तराखंड से और एक अरे भाई नंबर प्लेट नहीं वजह के कुछ भी भाई ने विंगलेट्स भी देखो ना खा लगाए। हां हां सारे भाई अपने को ना चाबी लानी पड़ेगी, सेक्सी लग रहा है भाई। अरे भाई आपको बताओ क्या हुआ, हम ना मेरे फोन में यहाँ डिवाइस नहीं लगाने का, हमें हर थोड़ी देर में फोन निकालना पड़ रहा, और मैं दो वो डिवाइस लगा लो भाई सबसे बेस्ट है फोन होल्डर, मैं दो फोन यूज करता हूँ, एक रेडमी एक आईफोन है, बार बार निकालना पड़ रहा, ऊपर से शेड्स पहने हुए दिखता नहीं है भाई, मतलब हमें कितना 2 घंटे लग गए, 3 फिसल गया भाई, भाई सर चेक करो यहाँ पे भाई, खतरनाक सीन भाई, कुछ नहीं भाई इसमें आता ही नहीं है, डीवी डीवी कुछ नहीं आता। कौन सा मॉडल है ये? ये SC बड़े S1 है भाई, तुम हेलमेट उतारो ना एकदम फ्रेश हो जाओ ना पहले। अरे भाई फ्रेश हो के लेना वीडियो, बस न्यूट्रल करो भाई इसको भाई, ये लो भाई आवाज सुन लो, रेव रेव अलाउड है भाई, आवाज सुना दे, लो लो काम मैं करता हूं, लो लो पीछे कॉन्फ्रेंस चल रही है। अच्छा अच्छा ठीक है
क्या सेक्सी है भाई, पूरा डिपार्टमेंट बाहर आ गया, कॉम्प्लेक्स हिल रहा है, गरम हो चुका है भाई, भाई कल संडे है ना, कल संडे ना, कल चेक करेंगे। एग्जैक्टली कल कल पूरा भाई, मैं तो पूरा आगे लगा दो भाई इसमें। एक एक करोड़ की होंगी कम से कम? अरे ये 2 लाख की है भाई। हाँ कितने की है? 2 लाख। ये 21 लाख रुपए की है और वो है, वही तो करो, करोड़ 50 लाख ऐसे आती है। ओ भाई गाइस, मैं और आमिर भाई जा रहे हैं, आमिर भाई अपनी साउथ नारायण में। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई, ये दोनों बाइक इतनी लेंथ है ना कि मुड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ऐसा तो नारा देखो कितनी लंबी है। ओ भाई झंडे लग गए वाइब्रेशन से, वो देखो वाइब्रेशन से वो झंडे लग गए, क्या बोलते से पुट्टी पुट्टी भाई, दीवारें हिल रही और अब भाई क्या सेक्सी लग रही है सोनारा, और मेरे को घुमानी पड़ेगी फटाफट। ओ भाई फिसल गई थी भाई, होटलों के अंदर से निकला जा रहा है बिल्कुल भाई। आपका जाना है बाहर है भाई, क्या हुआ? अभी घोड़े खोले काम है टेनार के, तू मेरे साथ है कहाँ जा रहेगा भाई? पार्टी बदल गया दोगला। मैं और आमिर भाई जा रहे हैं कुछ खाने पीने, मेरा रास्ता नहीं पता भाई, डेड एंड है, जाना कहाँ है? भाई सीन खराब हो गया, फाइनली निकलने का समय आ चुका है भाई। SR चेक करे ZX10R भाई, चेक मारे फ्लेम भाई, एक नंबर साउंड। ये क्या गलत सीन हो गया कुछ यहाँ?